माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, सुबह सुबह की राम राम। राम राम जोर से बोला कीजिए। मन बहुत शांत होता है, उत्साह जगता है। आज हम बात करेंगे चने जोर गरम की, केवल स्वाद की दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चने बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब आज चनों का गुण आपको पता चलेगा तो आप इसे खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बाकी शुभ शुभ समय, आपका जन्मदिन, आपकी राशियां, वो सब तो होंगी ही। और सोच रहा हूँ समय रहा तो एक बहुत विशेष बात भी बताऊँगा विद्यार्थियों को। बात चने से शुरू करते हैं। सामान्यतः हम जब चने खाते हैं, और मैं भुने हुए चनों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जब हम चने खाते हैं तो कहीं ना कहीं चने मुरमुरे वाला फील उसके पीछे ज़्यादा रहता है, यानी स्वाद। उसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे, नींबू डालेंगे, नो डाउट बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट वो लगते ही हैं। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों की या उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है और वो इस वजह से अपना काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें चने खाने चाहिए। चने के कुछ और भी आपको उपाय मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से चने को समझिए। यदि आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी महसूस होती है और लगता है कि मैं जितना काम करना चाहता हूं उतना काम नहीं कर पाता, मेरे हाथ पैर कंधे आदि में दर्द होता है, तो चने खाना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि मेरा पेट सुबह खुल नहीं पाता है तो भी चने खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन कैसे, ये ध्यान देने वाली बात है। चनों को आप भून के रख लीजिए, और अगर इसे हल्का सा देसी गाय के घी से भूनेंगे तो ये बहुत श्रेयकर रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। आपने उसे हल्का सा भून लिया और भून के एक जगह रख दिए, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं, अधिक से अधिक आप 400-500 ग्राम चने ही एक ऐसे मर्तबान में रखिएगा जो एयर टाइट हो। रोज़ाना 50 ग्राम चने आपने खाने हैं, ज़्यादा भी नहीं खाने क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। 50 ग्राम चने आपने खाने हैं। अब आपने क्या किया, मुट्ठी भर चना लिया। और ख़ास तौर से वो विद्यार्थी जिन्हें खाते खाते पढ़ने की आदत है या पढ़ते पढ़ते खाने की आदत है, उन लोगों के लिए ये बहुत विशेष है। आपने प्लेट में रख लिया मुट्ठी भर निकाल कर, और आप एक एक करके ऐसे ऐसे खाते जाइए, ठीक है। और जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो जाए तो एक खेल भी खेल लीजिएगा, ऐसे किया और यूं उछाला, मुंह में आता है कि नहीं, आया तो जीत गए, नहीं आया तो हार गए। खैर, तो आपने वो चने निकाल लिए और वो चने धीरे धीरे आपने खाने। लेकिन चने खाने कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट है। छिलका उतार दीजिएगा, भूनिएगा तब भी छिलका उतार दीजिएगा। और चनों को जब आप खाएंगे तो बहुत चबा कर खाएंगे, उसे निगलना नहीं है, उसे बहुत अच्छे से चबाना है, मुंह में उसको पाउडर जैसा बना देना है, तब उसको सटकना है। और तुरंत का तुरंत पानी नहीं पीना है चने खाने के, बस पानी पीना भी पड़े क्योंकि वो गले में अटक जाते हैं, यद्यपि जब वो घी में भुने हुए होते हैं तो उतना गले में नहीं अटकते हैं, फिर भी तो घूंट दो घूंट, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अब आप चने खाते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, आपको ताकत का अनुभव होगा, स्टेमिना का अनुभव होगा, इसका कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, इसके विटामिन्स आपको मिलेंगे और सेहत बनेगी, दिमाग खुलेगा, शरीर में ताकत आएगी, आप लंबे समय तक बैठकर अपना काम कर पाएंगे, या यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ज़्यादा स्टेमिना से खेल पाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा शक्कर भी मिला लीजिए या उसके साथ थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, गुड़ बिल्कुल ओरिजिनल वाला हो, गुड़ रख लीजिए। और गुड़ के साथ जब चने आप खाते हैं तो एक तरफ तो टेस्ट में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ताकत में इजाफा हो रहा है, और ज़बरदस्त इजाफा होगा आपकी ताकत में।
तो यदि आप घर के बाहर जा रहे हैं, बहुत दौड़ भाग करनी है, बहुत मेहनत करनी है, तो एक आदत बना लीजिए, 50 ग्राम चने और थोड़ा सा गुड़ रख के अपने साथ ले जाइए और थोड़ा सा गुड़ के साथ वो चने दिन में 2-3 बार फांक लीजिए और देखिए स्टेमिना बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और वो भी खुशी खुशी। लेकिन अभी बात यही नहीं ख़त्म हो रही है, बल्कि अभी मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। माता पिता का ख्याल रखिएगा, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखिएगा, एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। इस दिन आप दौड़ते भागते या यदि आप आग पे काम कर रहे हैं तो उस वक्त, या फिर वाहन चला रहे हैं तो उस वक्त थोड़ा अलर्ट रह के काम करें। उपाय कर लीजिए, ओम हं हनुमते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी भाग्य पक्ष कमज़ोर ना होने की वजह से आपकी परेशानी जल्दी ही ठीक भी होगी। इसलिए आप अपने काम पर लगातार डटे रहिए, बस एक सावधानी रखिएगा, भाषा पर काबू रखिएगा और अपने राज किसी से शेयर मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, दुम दुर्गाय नमः का जप अवश्य करें। मिथुन राशि, भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है, धन की स्थिति भी इस दिन थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए अलर्ट रह के काम कीजिएगा। एक सावधानी इस दिन बहुत ज़रूरी है, अपने रिश्ते नातों को संभाल के रखने की। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप हल्दी का तिलक लगाइएगा और साथ ही साथ पक्षियों को दाना पानी ज़रूर दे दीजिएगा। यदि वो संभव ना हो सके तो एक मीठी रोटी कुत्ते को ज़रूर खिला दीजिएगा। कर्क राशि, ये वक्त आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको किसी फल की प्राप्ति होगी, मन भी थोड़ा खिन्न उदास रहेगा। लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखिएगा, इस दिन क्रोध से बचने की कोशिश करें, वाहन चलाने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। एक व्यथा लेते हैं, बच्चे के बारे में है, बहुत छोटे से बच्चे के बारे में। 21 जून को ही इनका जन्म हुआ है, किस नाम से इनका नाम रखें, शाह, SH नाम से इनका नाम रखिए। दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है, आगे क्या होगा। देखिए वैसे कुल मिला के कुंडली बहुत अच्छी है, इसलिए आगे भी इनकी तरक्की होगी, लेकिन जन्म के 9 वर्ष तक इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इन्हें ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी से बचाना है और जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, अन्यथा इनके गले और पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम इनको जीवन भर तक परेशान कर सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा गुस्सेवर रहेंगे, थोड़ा ज़िद्दी भी रहेंगे, बावजूद उसके अपनी लाइफ बहुत अच्छे से चलाएंगे। टेक्निकल लाइन में ये जाएंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंस की पढ़ाई भी ये अवश्य करेंगे, तो कुल मिला के समय अच्छा है। सर आदि में चोट ना लगे, एक छोटा सा उपाय उसके लिए ज़रूर कर दीजिएगा। इनकी लंबाई के बराबर सफ़ेद रंग का एक धागा ले लीजिए, सूती धागा ये होना चाहिए, और उसके बाद उसे लपेटे दे के बराबर बराबर छोटा कर दीजिएगा और इनकी कलाई में ढीला सा बांधिएगा। बच्चे की कलाई में टाइट नहीं बांधना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही टाइट हो जाता है, फिर बहुत ढीला ढाला सा बांध दीजिएगा। ईश्वर का नाम लेके और प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। तो पुनः मैं कह रहा हूँ, जंक फूड से बचाना है, कफ से इनको बचा कर रखना है, बाकी ये अपनी ज़िंदगी में निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे, चिंता ना करें। मैं चने की बात बता रहा था बच्चों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनको शारीरिक श्रम करना होता है और शरीर में कमज़ोरी वो महसूस कर रहे हैं, उनके लिए चना किस प्रकार से लाभदायक होता है। मैं बुज़ुर्गों के लिए भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रात में चने भिगो दें, ये काले भी हो सकते हैं, ये भुने हुए चने भी हो सकते हैं, ये चने भिगो दीजिए, लगभग 10 से 15 ग्राम तो होना ही चाहिए, एक ग्लास पानी में इन्हें भिगो दीजिए और सुबह सुबह पानी छान लीजिए। पानी फेंकना नहीं है, पानी छान लेना है दूसरे मर्तबान में, दूसरे ग्लास में, और उसके बाद ये चने आप खा लीजिए, ठीक है ना। और जो बचा हुआ पानी है उसमें शहद एक चम्मच मिला लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि शहद आपको नुकसान तो नहीं करता,
या मना तो नहीं किया डॉक्टर साहब ने, अगर नहीं है ऐसा तो उसमें शहद भी मिला लीजिएगा और वो जल भी पी लीजिएगा और देखिएगा कि आप कुछ दिनों के बाद ही अपने शरीर में बेहतरी महसूस करेंगे और कुछ महीनों के बाद अपने अंदर बहुत शक्ति का अनुभव करने लग जाएंगे। ये एक ऐसी औषधि है, ये एक ऐसी चीज़ है जो स्वाद भी दे रही है, स्वास्थ्य भी दे रही है और आपको बहुत मजबूत बनाती है, दिमाग भी खोलती है, पेट भी आपका ठीक रखती है। उपाय की बात आती है, कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां इस किस्म की आती हैं जिनके आसानी से हल नहीं मिलते, जैसे लड़ाई झगड़ा। अगर आप वाद विवाद में उलझ रहे हैं और लगातार ये उलझन बढ़ती चली जा रही है तो आप क्या कीजिए कि हनुमान जी को चने का भोग लगाना शुरू कर दीजिए और उनके सामने बैठकर ओम हनुमते नमः का जप करना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी की कृपा से आप ठीक होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप बंदरों को चने खिलाना शुरू कर दीजिए और देखिएगा जिंदगी में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। लेकिन ये उपाय होना नियमित रूप से चाहिए। आप पे मंगल को समय हो तो मंगल को कर दीजिए, शनिवार को समय हो तो शनिवार को कर दीजिए, रविवार को समय हो तो रविवार को भी कर दीजिएगा, लेकिन दिन अपना नियत रखिएगा और हर हालत में यह उपाय करना है। और जब ये आप उपाय शुरू करें तो कोशिश ये कीजिएगा कि वर्ष भर इसे निभा लें। अब चने का त्वचा से क्या मतलब है? जी बहुत गहरा मतलब है, ये जरूर बताता हूं, लेकिन पहले आपको शुभ अशुभ समय लिखा देता हूं। दो मुहूर्त रहेगा शाम को 5:28 से लेकर 6:23 तक। गुलिक काल रहेगा 3:52 से लेकर शाम को 5:35 तक। यमगंड काल लिखिए 12:26 से लेकर 2:09 तक और राहु काल लिखिए 5:35 से लेकर 7:18 तक। अब शुभ मुहूर्त लिखिए, अभिजीत मुहूर्त लिखिए 11:58 से 12:53 तक। लेकिन इस दिन आपको अमृत काल दिन में नहीं मिल रहा है, इसलिए हर शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त का ही उपयोग कीजिएगा। फिलहाल हम जानते हैं सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, संबंधों में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुल मिला के आपके लिए दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष भी ठीक है, इसलिए आपके कार्य रुकेंगे नहीं। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन गरिष्ठ भोजन करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप सूर्य को जल अवश्य दें, उसके बाद अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करें। कन्या राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। आपके घर में आपकी वजह से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा और प्रेम संबंधों में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, ध्यान रखें। साथ ही साथ एक सावधानी और, यदि आप यात्रा कर रहे हैं उपाय ज़रूर करने, और उपाय क्या है, इस दिन आपने अनाज का दान करना है, उसके बाद अपना काम शुरू करना है। तुला राशि, दिन आपके लिए ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़कर काम कीजिए, लेकिन आपके डिसीजन गलत होने से आपको खासा नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन वैमनस्य भाव से या क्रोध के भाव से, अहंकार भाव से, ईर्ष्या भाव से, जल्दी वाले भाव से यानी धैर्यहीन भाव से कोई भी कार्य मत कीजिएगा, विशेषकर धन के लिए। बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप भोजन का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि, बहुत सोच समझकर कोई फैसला लीजिएगा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। यात्रा पक्ष आज आपका बहुत कमज़ोर है, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भी विशेष ख्याल रखिएगा। यदि आपको कंधे कमर की कोई प्रॉब्लम है तो अलर्ट रहें। इस दिन की विशेष सावधानी है वाहन चलाने को लेकर, ध्यान रखें। और उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, हंग हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। एक अल्प विराम ले रहा हूं, लौट कर मैं आपको बताऊंगा चने के कुछ खास उपाय जो जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
आइए स्वागत है अल्पविराम के उपरांत। मैं चने की बात बता रहा था बच्चों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनको शारीरिक श्रम करना होता है और शरीर में कमजोरी वो महसूस कर रहे हैं, उनके लिए चना किस प्रकार से लाभदायक होता है। चने का एक और उपयोग बताता हूँ। चना त्वचा को निखारता है, त्वचा की बहुत सारी परेशानियों को वह दूर करता है। कैसे? आटे में चना पीसकर मिला दीजिए, मिस्सी रोटी टाइप जैसे होती है ना, तो वह कम से कम एक रोटी रोजाना खाना शुरू कीजिए। क्या क्या फायदे होंगे? शरीर में ताकत आएगी, शरीर में आपके ब्लड शुगर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी त्वचा कोमल होगी। त्वचा में यदि किसी किस्म का कोई फंगल आदि इन्फेक्शन है भी तो वह भी ठीक होने लगता है। यद्यपि चिकित्सा सलाह लेनी पड़ती है, लेकिन ये त्वचा को अच्छा रखने में, स्वस्थ रखने में आपकी बहुत मदद करता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा उस पर घी ना लगाएं, वो भी ढेर सारा, वो थोड़ा सा गले में फंसेगी ज़रूर, लेकिन उसको वैसे ही खाना होगा। जिन लोगों को आटा बहुत ज़्यादा नहीं पचता, उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसमें चने का आटा मिलाकर तब खाएं। और ये चने का आटा घर में ही पीस लिया करें और वो आटे में ताज़ा ताज़ा मिलाएं और खाएं। पेट आपका दुरुस्त रहने लगेगा और जिन लोगों को कब्ज आदि की प्रॉब्लम है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और आप कुछ ही दिनों में शक्ति का अनुभव भी करने लगेंगे। अब ऐसा करते हैं, जिनका जन्मदिन है उन्हें विश करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको चने का एक बहुत ख़ास उपाय बताता हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यद्यपि इन 12 महीनों में किए गए कार्य के परिणाम थोड़ा लेट अवश्य मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे पुख्ता। जल्दबाजी कीजिएगा नहीं, धैर्य जरूर धारण कीजिएगा और कुछ सावधानी रखिएगा। आप अपने पीठ का ध्यान रखें, अपने रक्त संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें और साथ ही साथ यदि आप किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो कम से कम 18 महीने बहुत सावधानी से गुजारिएगा। बाकी तो अच्छा होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो ज़रूर कर लें। हर शनिवार मजदूरों को अपने हाथ से बड़े सेवा भाव से कुछ भोजन ज़रूर दिया कीजिएगा, अच्छा होगा, तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। चलिए अब जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। भाग्य पक्ष बेहतर है, इसलिए आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे, किसी की मदद भी मिलेगी। लेकिन एक सावधानी रखनी है, इस दिन अपने मूड पर काबू रखिएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर देंगे। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधकर फिर अपने काम पर जुटिए। मकर राशि, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। दुश्मन इस दिन बहुत हावी हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। देर रात अकेले वाहन चलाने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे एक सावधानी और रखनी है, इस दिन आप धन वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपने ओम नमः शिवाय का जप करके फिर काम पर जुटना है। कुंभ राशि, वक्त आपके लिए ठीक है, यद्यपि कुछ परेशानी देगा, लेकिन यदि आपने धैर्य रखा और लगातार कार्य किया तो लाभ होगा। जो लोग यात्रा में जा रहे हैं या जिन लोगों को किसी नए कोर्स में एडमिशन इस दिन लेना है या जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वो लोग विशेष रूप से अलर्ट रहें, मन शांत रखें। एक सावधानी इस दिन बहुत विशेष आपको रखनी होगी। यदि आप गरिष्ठ भोजन करने के आदि हैं या आपका पेट खराब रहता है तो इस दिन विशेष रूप से सतर्क रहें। उपाय क्या करना है? तो जल ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा और उसके साथ साथ थोड़ा सा आटा चीनी मिलाकर चींटियों को अवश्य डाल दीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि,
अचानक कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है, किसी दूर दराज के व्यक्ति से भी आपकी भेंट हो सकती है, किसी बिछड़े हुए से भी भेंट हो सकती है, कोई रूठा हुआ मनाया भी जा सकता है। तो कुल मिला के दिन ठीक है, बस एक सावधानी रखिएगा, यदि आपके पीठ पैर कमर में कहीं कोई दिक्कत है तो इस दिन ज़्यादा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप चने की दाल का दान ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब परवरिश टिप, यदि आपका बच्चा पढ़ता है और पढ़ते समय थक जाता है या उसकी कमर बिल्कुल झुक जाती है पढ़ते समय, तो उनको एक मुट्ठी चना सुबह शाम ज़रूर दिया कीजिए। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, उसको टेस्टी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर उन्हें खिला दिया कीजिए। और साथ में यदि वो गुड़ खा लें तो और भी अच्छा है, इससे शरीर में उनकी ताकत आएगी, पढ़ाई की शक्ति बढ़ेगी। चने का एक बहुत अच्छा उपयोग आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत तेज़ उन्हें गुस्सा आने लगता है, एकदम कभी कभी उन्माद जैसी स्थिति आने लगती है। चना उनकी बहुत मदद करता है। कैसे? एक मुट्ठी चना ले लें, ऐसे एक मुट्ठी चना या कम भी ले सकते हैं, और उसमें दो या तीन मुनक्के डालकर वह चबा चबा कर खाने लगे। इससे दिमाग मजबूत होता है, मन एकदम शांत होना शुरू हो जाता है और शरीर की गर्मी भी कम होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गर्मियों के दिनों में भयंकर गुस्सा आने लगता है, वो अजीब सी हरकत भी कभी कभी कर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस की शिकायत रहती है तो एक बार चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि आप चना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, और खाएं भी तो थोड़ा 10 ग्राम 25 ग्राम से शुरू करके तब 50 ग्राम तक पहुंचिएगा। लेकिन चना यदि आप मुनक्के के साथ खाते हैं तो इतना लाभ देता है, इतना लाभ देता है। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। आज मैं आपको पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी का एक वाक्य सुनाता हूँ। वो कहते हैं, इंसान का स्वार्थ ही अनेक अशुभ विचारों को जन्म देता है। यानी यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर कार्य करेगा तो उसके विचार शुभ ही होंगे, सकारात्मक ही होंगे। चलता हूँ, आपके शुभ की कामना करता हूँ, प्रभु आपको बहुत खुशियाँ दे। फिर मिलते हैं, तब तक जोर से कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।